नमस्ते स्टूडेंट, मैं बीएस उपाध्याय विजुअल इफेक्ट कंप्यूटर ट्यूटर के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ स्टूडेंट। आज हम फिर एक नए टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक यूटी जीएसटी का है, यानी यूटी जीएसटी का टैली प्राइम में एंट्री करने का सही तरीका क्या है। तो यानी इंटर स्टेट, यानी जो यूनियन टेरिटरी वाले फर्म यानी कंपनियां होती है, वो टैली प्राइम में यूटी जीएसटी का परचेज एंड सेल इनवॉइस कैसे बनाएंगे। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं, यूटी जीएसटी का इस्तेमाल टैली प्राइम में करने का सही तरीका क्या है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं, यूटी जीएसटी की टैली प्राइम में एंट्री करने का सही तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम आ जाते हैं टैली प्राइम में, और यहाँ पे एक कंपनी हम लोग रजिस्टर्ड कर रहे हैं, यानी अब एक नई कंपनी बना रहा हूँ। मैंने कंपनी का नाम लिया यूटी जीएसटी के नाम से, मैंने कंपनी बनाया और कंपनी स्टेट यहाँ पे डाल दिया, ये है चंडीगढ़ का हमारा स्टेट। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप चंडीगढ़ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट, एंड यानी जो क्योंकि मैं जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ये जो यूटी जीएसटी है, यूटी जीएसटी मतलब केवल जैसे मैंने पहले भी पिछले वीडियो में बताया था कि किस किस स्टेट में यूटी जीएसटी का इस्तेमाल होता है। तो मैं ये जो कंपनी है, ये चंडीगढ़ का कंपनी है, एंड इंटर सेव करा लेता हूँ मैं। सेव कराने के बाद स्टूडेंट सीधे हम आते हैं वापस जीएसटी प्रोफाइल पे, इंटर करते हुए अब आगे बढ़ते जाएंगे और सीधे यहाँ जीएसटी मिलेगा। और जीएसटी पे आप ध्यान रखेंगे, जैसे वहाँ पे आप स्टेट चंडीगढ़ चूज कर लेंगे, तो चंडीगढ़ चूज कर लिया और चंडीगढ़ में जो फर्म हमारा वो रेगुलर है, जीएसटी के रेगुलर में रजिस्टर्ड है, और सेव करा लेता हूँ स्टूडेंट। सेव, ये आपने सेव करा लिया एंड सेव। सेव करने के बाद स्टूडेंट वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे आपके सामने है, वह यहाँ पे यूटी जीएसटी की एंट्री पास करना। ये आपका विजुअल इफेक्ट फर्म है जो चंडीगढ़ में स्थित है, इसी मैंने इस नाम से कंपनी नहीं बनाया, मैंने यूटी के नाम से बना दिया आपको समझने के लिए। और ये रेगुलर डीलर है, चंडीगढ़ का है, और मुझे जो चंडीगढ़ से ही लेन देन करना है, यानी जो हमारी पार्टी है गुड्स परचेज फ्रॉम खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, ये इंट्रा स्टेट यानी चंडीगढ़ का ही पार्टी है, और इससे मुझे माल खरीदना है सैमसंग मोबाइल 25 पीस और ऑल आइटम, यानी यही माल मुझे बेचना है महस इलेक्ट्रॉनिक, वो भी चंडीगढ़ में है, वो भी रेगुलर डीलर है। तो एक चंडीगढ़ में दूसरे चंडीगढ़ में एक रेगुलर डीलर दूसरे रेगुलर को चंडीगढ़ के अंतर्गत कैसे बिलिंग करना है यूटी जीएसटी में, चलिए देखा जाए। तो सबसे पहले हम लोग सीधे आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, F9 करते हैं स्टूडेंट और अल्टर सी कर लेते हैं। पार्टी का नाम आपके सामने है देखिए, एंड खन्ना इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैंने खन्ना इलेक्ट्रॉनिक के नाम से एक लेजर बना लिया, खन्ना इलेक्ट्रॉनिक, इंटर। ये हमारा असेंबली क्रिएटर्स हो गया स्टूडेंट, इंटर। और ये पार्टी भी हमारा चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ चूज कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा एंड इंटर एंड सेव, इंटर एंड सेव, यहाँ कुछ नहीं करना है। एंड अल्टर सी कर लीजिएगा वापस, और आपको आइटम क्या बनाना है, यहाँ पे सैमसंग मोबाइल बनाना है 25 पीस के रेट से, यानी सैमसंग मोबाइल लिख दिया मैंने स्टूडेंट, सैमसंग मोबाइल एंड इंटर। अल्टर सी कर लीजिएगा, यूनिट पीसेस बना लीजिए स्टूडेंट, जैसे सब पुराने वीडियो में बताया था, एंड पीसेस चूज कर लीजिए, पीसेस को सेव करा लीजिए एंड यहाँ पे जीएसटी अलाउ कर दीजिएगा स्टूडेंट। जीएसटी अलाउ करने के बाद नीचे परचेस टैक्सेबल, जैसे सब पहले बताया गया था, यहाँ पे जो आइटम है टैक्स का वो 5% जीएसटी इस पर चार्ज हो रहा है, तो 5% जीएसटी मैंने लगा दिया यहाँ पे एंड सेव करा लिया स्टूडेंट। क्वांटिटी मुझे कितना पीस लेना है स्टूडेंट, यहाँ पे क्वांटिटी मुझे चार्ज करना है 25 पीस, एक पीस का नाम है 4900, तो मैंने 25 पीस डाल दिया और एक पीस का नाम है 4900, इंटर इंटर एंड अल्टर सी करिएगा स्टूडेंट। एंड परचेज आपको यहाँ लिखना है स्टूडेंट, एट द रेट 5% जीएसटी, इंटर है तो आप मेंशन भी कर सकते हैं, फिलहाल हम आगे ध्यान रखिएगा, इंटर आप करिएगा, सेव कर लीजिएगा और अलाउ कर दीजिएगा यहाँ पे, और इंटर करते हुए परचेज टैक्सेबल मतलब चंडीगढ़ लोकल के लिए 5% जीएसटी एंड सेव एंड गुड्स एंड सेव, इंटर। एंड इसमें जीएसटी जुड़ना है तो आप यहाँ पे इनपुट इनपुट एंड आपके पास लोकल बेचा जा रहा है, इनपुट सी जी एस टी एंड एट द रेट 2.5%, यानी 5% तो आधा लगेगा। एंड यहाँ पे वापस अगर हम इनपुट नहीं लिखे तो वापस हम यहाँ पे बस, अब केवल अगर यहाँ पे सी जी एस टी मैं कर रहा हूँ आपके सामने, सी जी एस टी एट द रेट 2.5% मैंशन कर दिया, क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं करना चाहता हूँ स्टूडेंट। एंड ड्यूटी एंड टैक्सेस एंड
अब यहाँ पे जीएसटी का प्रोफार्मा है, जीएसटी सेंट्रल एंड 2.5% लिख के आप सेव करा लीजिए। नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज है इंटर, ये आ गया आपका एंड 3 ईयर 63 रुपए वापस। एंड यहाँ पे फिर यूटी एंड जीएसटी एट द रेट 2.5% इंटर, ड्यूटी एंड टैक्सेस यहाँ पे जीएसटी एंड यहाँ पे यूटी जीएसटी आपका यहाँ ब्लॉक खुल जाएगा एंड 2.5% लगा के आप नॉर्मल राउंडिंग एंड सेव करा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट बन गया आपका यूटी जीएसटी का परचेज वाइज एंड सेव करा लीजिए, कुछ नहीं करना है यहाँ पे एंड सेव एंड सेव सेव एंड सेव यहाँ बिलिंग प्रोसेस एंड सेव एंटर एंड सेव। एंड अब हमें अगर सेल करना है स्टूडेंट एफिलिएट करिएगा, मुझे किसको सेल करना है तो मीजू को बेचना है, ये आपको महेश इलेक्ट्रॉनिक को भी चंडीगढ़ में है और 25% लाभ रखना है। तो हम महेश इलेक्ट्रॉनिक को लेजर बना लेते हैं, महेश इलेक्ट्रॉनिक ओके स्टूडेंट एंड डेटर्स हो गया आपका, सेव करा लीजिएगा, ये भी चंडीगढ़ का पार्टी है एंटर एंड सेव इंटर एंड सेव इंटर स्पेस सैमसंग मोबाइल। मान लीजिए मुझे 25 ही पीस बेचना है और एक पीस का दाम स्टूडेंट कितना है आपका 4900, इसमें मुझे 25% लाभ रखना है तो यहाँ पे अल्ट्रा सी कर लीजिएगा जैसे मैंने पहले बताया था, 4900 × 25% आप इसमें बढ़ा लीजिएगा तो रेट आ गया आपका 1225 रुपये। फिर इसमें दोबारा अल्ट्रा सी करिएगा वहाँ जाकर 4900 + 1225 ये डाल दीजिएगा और इंटर करिएगा तो आपकी वैल्यू आ गई 6125 इंटर स्पेस अल्ट्रा सी करिएगा, सेल का लेजर बना लीजिएगा स्टूडेंट, सेल 5% के नाम से इंट्रा सेल में सेल डाल लीजिएगा और इंटर करते हुए अप्लाई कर लीजिएगा और इंटर सेल टैक्सेबल में इसको अलाउ कर दीजिए और 5% लगा दीजिए इंटर गुड्स से इंटर इंटर स्पेस दबाइएगा एंड सी जी एस टी एंड ड्यूटी जी एस टी इंटर एंड सेव करा लीजिएगा स्टूडेंट। ये आपका सेल इनवॉइस बनके तैयार हो गया स्टूडेंट, यूटी जी एस टी का सेल इनवॉइस एंटर एंड सेव। और आपको प्रोफार्मा स्टूडेंट देखना है तो अगर आप देखना चाहते हैं बैलेंस शीट क्राइटेरिया इंटर करेगा अल्ट्रा फोन करेगा तो आपका 1530 रुपये यहाँ देख रहे ना यूटी जी एस टी में यानी ड्यूटी एंड टैक्सेस में 1530 रुपये आपको जमा करना है। वापस आपको जी एस टी जमा करने के लिए पेमेंट अकाउंटिंग वाउचर F5 करेगा और कंट्रोल F प्रेस कर लीजिएगा तो स्टार्ट पेमेंट एंड जी एस टी रेगुलर जिस साल का जमा कर रहे हैं जिस महीने का जमा कर रहे हैं उस महीने का डेट डाल दीजिए, हमारे टैली में डेट लॉग है इसलिए पूरा फाइनेंशियल ले लेते हैं स्टूडेंट इंटर एंड 31/3/2022 कर लेते हैं स्टूडेंट इंटर, क्या जमा करना है हमें एंड सी जी एस टी। अब देखिए लेफ्ट साइड यहाँ पे आपको दिखाएगा यहाँ पे करेंट बैलेंस लीजिए 4000 यानी 765 यहाँ पे 765 डाल दीजिए स्टूडेंट इंटर, पी बाई कर दीजिएगा यहाँ पे और यूपी की सेलेक्ट कर लीजिएगा इंटर, देखिए 765 ये भी दिख रहा है 765 इंटर इंटर चेक या कैसे जमा कर रहे हैं आप जमा करके सेव करा लीजिए स्टूडेंट। और वापस जाके आप बैलेंस शीट में लिखेंगे तो वहाँ पे आपको आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस मिलेगा। तो ये स्टूडेंट होता है यूटी जीएसटी का सेल एवं परचेस इनवॉइस का बनाने का सही तरीका। आशा है स्टूडेंट आपको समझ में आएगा कि यूटी जीएसटी का इस्तेमाल टैली प्राइम में सही तरीका क्या होता है और कैसे उसका परचेस सेल इनवॉइस बनाया जाता है। तो और वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, अपने मित्रों और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए नमस्कार।